वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो ईजी स्टडी में आप सबका स्वागत है। तो आज की केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग यूनिट वन के पाठ्य अभ्यास जो हैं उनको देखेंगे। साथ में इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले ही देख चुके होंगे, तो वो हम आप पहले के वीडियोस में देख सकते हैं। साथ में पाठ्य अभ्यास में क्या क्वेश्चन है उनको देखेंगे, राइट। तो नाउ पाठ्य अभ्यास जो एनसीईआरटी के बुक में है उसको हम पूरा सॉल्व कराएंगे। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं वो अतिरिक्त हम अपनी तरफ से आप सबको करेंगे। तो हमारी तरफ से आपकी यह पूरी तैयारी रहेगी कि आप अगर कोई एक्स्ट्रा बुक रेफर नहीं करते हैं तो भी आपका सिलेबस 100% क्या होगा, अचीव होगा। बुक के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे, ओके, अंडरस्टैंड। न्यूमेरिकल्स पे आप लोग फोकस करिएगा, न्यूमेरिकल्स में किसी को भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा, एनीबॉडी, यू यू और यू, ओके। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन बुक से रेफर करते हैं, जो एनसीईआरटी की बुक है उसके क्वेश्चन देंगे हम लोग अभी। तो नाउ ओके, कृपया बात ना करें। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अपनी अपनी बुक्स को रेफर करें या पड़ोसी की बुक्स को रेफर करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है अक्रिस्टलीय पद, अक्रिस्टलीय एमाफस, राइट ना, पद को परिभाषित कीजिए, अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ उदाहरण। देखो इसमें पहले भी हम बता चुके हैं अक्रिस्टलीय क्या होते हैं, वह ठोस जिनकी व्यवस्था क्या हो, लघु पराशी हो, साथ में उनके गलनांक क्या होते हैं, गलनांक रेंज होता है, क्या होता है रेंज, और काटने पर खुरदरी सतह मिलती है, कैसी सतह मिलती है खुरदरी, और इनका एक खास गुण होता है अतिशीतित द्रव। अक्रिस्टलीय का खास गुण क्या होता है, अतिशीतित द्रव, कि यह वास्तव में वास्तविक ठोस नहीं है, आभासी ठोस है, कैसे ठोस होते हैं आभासी, राइट। या और इनकी प्रकृति क्या होती है, समानता या विद्युत या उष्मा के क्या होते हैं, अचालक सामान्यतः ना, इसमें ग्रेफाइट एक अपवाद स्वरूप है, ठीक है, हीरा नहीं, हीरा तो क्रिस्टली है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टली है, लेकिन मतलब ये कार्बन, अच्छा प्लास्टिक की बात करें, अगर प्लास्टिक और रबर इसके क्या है एग्जांपल है, प्लास्टिक और रबर इसके एग्जांपल है, हाँ। और एक अन्य एग्जांपल हमारा क्वार्टज है, कांच, क्वार्टज कांच एग्जांपल है, क्वार्टज नहीं, ठीक है ना। क्वार्टज क्रिस्टली होता है, इसको बार बार ठंडा करके गर्म कर दिया जाए तो क्या बन जाता है अक्रिस्टलीय, ठीक है। तो इसको दोबारा लिखा नहीं जा सकता है, बताए हैं वो एक टेबल बताया था ना जो है जिसमें विभेद किया गया है ना, पेज नंबर 6 पे, 3 पेज एनसीईआरटी के बुक पेज नंबर 3 पे एक टेबल है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, इसको पहले बता चुके हैं। नाउ लुक आउट द सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है कांच क्वार्टज जैसे ठोस किस प्रकार धन है, किन परिस्थितियों में क्वार्टज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है, इसको हम बता रहे हैं, आप अपने से कुछ लिखिएगा। देखिए हम जानते हैं ना कांच क्या है, कांच क्या है अक्रिस्टलीय, ठीक है, साथ में सुपर कूल्ड लिक्विड है, और इसे हम क्या कहते हैं छद्म ठोस भी कहते हैं, क्या कहते हैं छद्म ठोस या आभासी ठोस। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था ना कि देखो ठोस को अगर एक निश्चित ताप दाब पर रखा जाए तो वर्षों तक वह क्या रहेगा, परिवर्तित, पर कांच के साथ ऐसा, कांच पर हम किसी सतह पर रखते तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनके कणों में एक प्रवाह ठोस अवस्था में भी बना रहेगा, और एक अवस्था में रखा हुआ कांच भी कुछ समय बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, मोटा ऊपर की तरफ। अच्छा देखो अब अगर वास्तव में ठोस होता तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कण ऊपर से नीचे नहीं आते, लेकिन कांच में कण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल से कण ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसलिए क्या है आभासी ठोस है, इसे अतिशीतित द्रव कहा जाता है, अतिशीतित द्रव एक रिंग लिखवा देंगे। दूसरा कह रहे हैं क्वार्टज, देखिए क्वार्टज और कांच, क्वार्टज जिसको अब स्फटिक रत्न से जानते हैं, सफेद रंग का रत्न होता है, कांच की तरह ही ठंडा होता है, क्वार्टज और कांच है एक ही चीज, राइट ना, जैसे कि कोयला और हीरा एक ही चीज़ है, कोयले की खदान में हीरा मिलता है ना,
आणविक सूत्र भी दोनों का क्या है, सी है, ग्रेफाइट भी सी है, पर उनकी गुणों में क्या है, भिन्नताएं हैं। वैसे ही क्वार्टज और कांच है, क्वार्टज भी एक प्रकार का कांच है जो अपनी परतों में आबंध के कारण क्रिस्टली हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रिस्टली। जबकि कांच क्या है? क्रिस्टली। हाँ, अब क्वेश्चन की क्वार्टज को कांच में कैसे बदला जा सकता है? बार बार गर्म करके ठंडा करने पर। बार बार गर्म करके ठंडा करेंगे तो क्वार्टज किसमें रूपांतरित हो जाएगा? कांच। ये क्वेश्चन पर याद रखिए। ओके ना, तो ये इसको लिख सकते हैं कि नहीं? क्वेश्चन सेकंड को लिखिए, लीजिएगा, हम चेक करेंगे सब। ओके, सबकी कॉपी में मिल जाए। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है कि आप अगर मैं कुछ ठोसों के नाम, कुछ यौगिकों के नाम लिख दूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि वो क्रिस्टली है, अक्रिस्टली है या आणविक ठोस है, राइट ना? तो उसके पहचानने का तरीका, देखिए सबको तो नहीं पहचान सकते, पर बेसिक अणु जो हैं उनके स्ट्रक्चर के आधार पर उनको पहचाना जा सकता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन यही कह रहा है कि निम्नलिखित ठोसों को वर्गीकरण आयनिक, धात्विक, आणविक, ससंयोजक या अक्रिस्टली में कीजिए। आइए देखते हैं कि आप कैसे करते हैं, राइट? ये हमारा 3.1 है, कौन सा है, सॉरी 1.3 है, 3.1 नहीं, 3.1 का पहला है टेट्रा फास्फोरस। डेटा मतलब टेन होता है, ठीक है, डेटा ऑक्साइड, मैं अलग नहीं देता हूँ, P4 टेट्रा फास्फोरस और डेटा ऑक्साइड, ठीक है। तो बताइए यह कैसा ठोस है, ठीक है, आप आंसर रेफर कर दिए, लेकिन समझते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे बुक में। अच्छा चलो ठीक है, आपने जैसे भी रेफर किया, मुख्य रूप से यह एक अणु है। क्या है? अणु होता है, अणु रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? अणु रूप में पाया जाता है। तो जो भी यौगिक अणु के रूप, जैसे H2O ही कहा जाए, H2O क्या है? अणु है। आणविक रूप में पाए जाते हैं तो कौन से ठोस होंगे? आणविक ठोस, या इसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्या होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नाउ सेकेंड वन देखिए क्या है बुक्स में, सेकेंड वन लिखा है अमोनियम फास्फेट, अमोनियम, इसे अमोनियम आयन बोलते हैं, याद रखें, यहाँ पे NH4 आयन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आयन, ठीक है। और बाहर क्या है हमारा? फास्फेट PO3 है, क्या है? PO4 है। अच्छा अब सीधी सी बात, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि अमोनियम शब्द यूज हुआ है और अमोनियम एक आयन होता है, तो सिंपल सी बात है जब यहाँ। और दूसरा तरीका ये भी है, अगर ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट के बाहर है, अर्थात जब ब्रैकेट में एक अमोनिया अणु है और उस अणु से दूसरा अणु जुड़ा है, एक अणु से दूसरा अणु जुड़ा है, तो सीधी सी बात है वो आयन में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? इनके मध्य कौन सा बंध है? आयनिक। इसका यह एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो यह आयनिक बंध हो गया। क्या हो गया? देखिए अगर सिर्फ PO4 होता तो अणु होता, ये भी अणु होता, लेकिन अब यहाँ पे आयन हो गया है, एक अणु ने दूसरे अणु को आयन दिया, तो इसे क्या कहा जाएगा? आयनिक, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक सॉलिड। थर्ड है सिलिका कार्बन, तो देखो सिलिका कार्बन, एक चीज याद रखो, एक कार्बन कहते ना, कार्बन बड़ा फेंकू टाइप का है, फेंकू समझे ना। अच्छा टर्म में एक लाइन आया था, अब भूल गए होंगे, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सबसे मित्रता रखता है, याद है, ठीक है, अच्छी बात है, उसमें लिखा था, बुक में भी लिखा था, है ना, वो बड़ा शौकीन है, क्यों भी मिल जाए चलो यार, चला बैठ के गप मारा जाए, तो कार्बन कुछ ऐसा है, राइट ना, उसे किसी का साथ ही भर चाहिए, वो कहेगा चला यार चाय समोसा हो जाए कार्बन, और वो सबसे आबंध बनाता है, कार्बन की कहते ना सबसे पटती, कार्बन किसे पटती है? सबसे, तो हम उसे, हम उसे, हम हलाने से, ठकाने से, ठीक है।
तो और सबसे क्योंकि वह सहसंयोजक आपस बनाता है, साझेदारी कर लेता है, क्या कर लेता है, चलो भैया साझेदारी में काम हुए, समझे नहीं। अक्सर जो साझेदार ठेकेदार होते हैं वो सबसे संबंध बना लेते हैं ना, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का ठेका ले ही, सपा की सरकार आए तो अच्छा देखो इलेक्शन बदल जाता है, पार्टियां बदल जाती है, लेकिन जो ठेकेदार रहता है वही रहते हैं, राइट ना, वही ठेका बीजेपी वाला ले वही कांग्रेसों को ले, बस बदले का चुनाव सरकार बदल जाए ठेकेदार वही रहते, देखे कि भैया सपा वाला बदल, चला भैया इनसे व्यवहार बना हुआ, एक हफ्ता में व्यवहार रेडी, भैया व्यवहार पहुँचा ही दे रही काम भी जाए। तो कार्बन कुछ ऐसा है तो जहाँ भी कार्बन आए आप समझ सकते हैं समानता कैसा ठोस है, सहसंयोजक ठोस है, कौन सा, और सिलिका भी सहसंयोजक में ही आता है, सहसंयोजक ठोस है या इसे क्या कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड, सिलिका कार्बन हमारा क्या है, अब पेंसिल्स है या उसे अपने बुक में टिक करके लिख सकते हैं चाहे तो पेंसिल ही लिख ले। और एक चीज और देखो पहले लोग कहते भैया किताब के बड़ा साफ सुथरा रख, हम तो कहते भैया किताब को खूब गंदा करो, या साफ सुथरा रखोगे अगले साल कौन सा उसे तुम्हें ही पढ़ना है, जितना हो उसे पढ़ डालो, समझ नहीं, जितना जहाँ तुमको टिक मारना है, हाँ भाई पेंसिल पेन नहीं चलाना चाहते तो पेंसिल चला लो, अपना टिक मार लो, क्योंकि वही आपको काम देगा, जब दोबारा आप किताब उठाओगे थोड़ा सा पेज को टर्न करोगे तो आपको लिखा है पॉइंट मिल जाएगा ना, और तुरंत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, और बिल्कुल प्लेन रखोगे कि नहीं इस पर मुझे पेन नहीं चलाना है पेंसिल नहीं चलाना है तो तुम्हारा साफ था आगे भी क्या रहेगा, वो साफ ही रहेगा, राइट ना। तो देखो मेरी भी किताब बड़ी गंदी है दिखा देता हूँ तो फिलहाल गंदी का मतलब है कि जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पे टिक मार लीजिए, इसका यह कतई मतलब नहीं कि बैठ के चिड़िया बनाते रहो, अक्सर खाली टाइम में ये होता है ना बैठ के चिड़िया बनाना, चिड़िया ना चौथा क्या कह रहा है आई टू, अच्छा ठीक है किससे पूछेंगे आई टू, तो आई ऐसे अलू को बताया कि किस कैटेगरी में आएंगे हमारे, अरे चलो बता लीजिए, मुख्य रूप से जो समान परमाणुओं से बने होते हैं और ज़्यादातर क्या होते हैं आणविक ठोस, अगर उनमें एकल आबंध है, कैसा आबंध है, एक से ज़्यादा आबंध है तो सहसंयोजक में आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, एक से ज़्यादा में किस में आ जाएंगे सहसंयोजक, तो आणविक कैसा ठोस है मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्या है ये मॉलिक्यूलर, नाउ नेक्स्ट सेम P4 है, P4 भी क्या होगा बताओ मॉलिक्यूलर होगा, अणु है आ गया प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है जी, प्लास्टिक तो अपेस्टली है, इसे हम सीधे क्या लिखेंगे अपेस्टली, राइट ना। नाउ नेक्स्ट ग्रेफाइट, देखो हाँ ना 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 ग्रेफाइट क्रिस्टली है, ग्रेफाइट के कण में क्या होती है परतों में आबंध होता है, किसमें आबंध होता है मतलब परत दर परत, एक लंबा अणु है, कैसा अणु है, एक हाँ जाल बनाते हैं, क्या बनाता है ये आपस के परमाणुओं से मिलकर ग्रेफाइट एक जाल बनाता है, इसीलिए इसे नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस, हाँ ग्रेफाइट हमारा सहसंयोजक है, समांतर सहसंयोजक ठोस वैद्युत या उष्मा के अचालक होते हैं और कठोर होते हैं, पर ग्रेफाइट क्या है चालक है कार्बन, ठीक है ग्रेफाइट क्या है चालक, ग्रेफाइट सी कार्बन, ठीक है। नाउ पीतल, अच्छा पीतल तो बड़ा फेमस है भैया, का समझ में आए घंटा, का करा थी घंटा, कुछ आवाज जा रहा घंटा, या बहुत जो टीवी के शौकीन है बाबा जी का घंटा कपिल शर्मा रहे ना, सो आता ना कपिल का वो बाबा जी का ठुल्लू घंटा, ठीक है, या यूट्यूब वाले हैं तो भी घंटा घंटा बजा दे, तो घंटा किसका बनता है पीतल का बनता है, और पीतल एक मिश्र धातु है, पीतल क्या है मिश्र धातु, जो कापर
और टिन या निकल इन चीज़ों को मिलाकर बनाई जाती है। सबसे पहले जो इंसानों ने मिश्र धातु बनाना सीखा वो कौन सी थी? पीतल। हाँ, कापर कांसा भी मिश्र धातु, पीतल ही सबसे पहले मिश्र धातु बनाना सीखा था। और कांसा या अष्ट धातु जो पहले की पाई जाती है। कॉपर जी, कॉपर ही तांबा नहीं, कॉटन अलग है, सूती अलग है। तो कपड़े की दुकान पर जाओ, किसी की है तो नहीं कपड़े की दुकान, तो बता देगा ज़्यादा अच्छे से। कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं ना, पहले कहीं कॉटन का दिखा हुआ कि पसंद नहीं आया, कहीं सूती का दिखा हुआ होता है भाई। दुकानदार भी जानते हैं कहीं चला सूती वाला, क्योंकि उसे बेचना है ना, वो कमी नहीं निकालेगा। अगर कस्टमर की कमी निकाल देगा तो कस्टमर पहले तरह जाए क्या ला सूती वाला ना, काटन देखा वो काटन देखा ही सूती मगबा सूती, और दोनों में सूरती ना ही, और दोनों में अंतर कहा तो अंतरों सिद्ध करी ये कहीं शुद्ध सूती या ये कॉटन है मिक्सचर होता है ऐसा ना। जैसे कि आगे चलते हैं तो नाउ नाइन्थ रुबिडियम है आरबी। तो आरबी एक मेटल है, क्या है? मेटल है। तो मेटल है तो कौन सा कौन सा होगा? ये मेटलिक सॉलिड्स, धात्विक ठोस, राइट। सभी धातुएं कौन सी ठोस होती हैं? धात्विक ठोस। हाँ, LiBr लिथियम ब्रोमाइड, हाँ मेटलिक है ना, सिर्फ सिंगल परमाणु का होता है, जैसे Fe रहता है, Fe2 नहीं रहता है, राइट ना। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं LiBr, सीधे सीधे जानते हैं ये धातु है या अधातु है। धातु अधातु कौन सा बनाते हैं? आयनिक। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। ये आयनिक सॉलिड है। कैसा सॉलिड है? आयनिक सॉलिड। सिलिका ये एक बृहद अणु है, जैसे हमारे फायर संरचना बनाता है, सिलिका की ऐसी संरचना बनाता है। और सिलिका की हमारा क्या है? सहसंयोजक। तो इस नामल आप इस तरीके से इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन मेटलिक है, कौन आण्विक है, कौन धातु है। ओके, यहाँ पे कुछ पूछना है? सिलिका कार्बन, ठीक है, इसको इरेज कर दें। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है उप संयोजन संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, क्या होता है तो बताओ। एक अणु में एक परमाणु में कितने परमाणु से टच है ये बताता है। हाँ, कि जालक में एक अवयवी कण आसपास के कितने अवयवी कणों के संपर्क में है, यही क्या है? वो सहसंयोजन संख्या। जैसे कि यहाँ पे विपिन बैठे हैं, तो इनकी उपसर्जन संख्या कितनी है? तीन। एक दो पीछे तीन, राइट। जैसे कि देखो मैं दो प्रकार का डायग्राम बनाता हूँ, देखो आप लोग यहाँ पर एक ही उपसहसंयोजन संख्या बताइए। चार है, दो है, चार है ना, अभी देखो दो बीमार होने का, चुप रहे हैं, एक जो है उसको थोड़ी गिनेंगे। अच्छा आगे देखिए, ये दो बीमा में था, अब इसी को अगर मैं तीन बीमा में करूं तो चार कण आगे भी होंगे, चार कण। अच्छा तब उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? नहीं, आगे वाला सिर्फ बीच वाला टच करेगा, पीछे वाला भी सिर्फ बीच वाला, छह हो जाएगा। कितने हो जाएगी? आप यही सरल खनिज जालक यही होगा ना, हो जाएगा ना तब। अरे तो देखो इसके आगे वाला परमाणु यहीं पे आएगा और पीछे वाला छः, इस लाइन में दो और चार को छः, तो यही संख्या क्या होती है? सिंपल क्यूबिक। अब देखो सिंपल क्यूबिक की उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? छः। आई देख लेते हैं कोष्ठिका भी बनाकर, ये कोष्ठिका है
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। यहाँ देखो यह दोनों आपस में टच करेंगे, यह दोनों भी टच करेंगे, ठीक है ना, और यह दोनों भी टच करेंगे, तीन ये और सेम तीन पीछे वाले, और सेम तीन पीछे वाले कितने होंगे, छः, ठीक है। आइए देखते हैं आगे हो सकता है आप कम ज़्यादा हो तो ये आगे वाले क्वेश्चन में देख लेंगे उसे। दूसरा मैं अगर किसे हेक्सागोनल बनाऊँ, क्या बनाऊँ, हेक्सागोनल मतलब अभी कड़ा बीच में आ रहे हैं, कहाँ रहे हैं, अच्छा अब बताओ इस परमाणु की उपसर्जन संख्या कितनी है, छह हो गई ना, देखो ये सभी इसको क्या है, टच कर रहे हैं, सभी इसको टच कर रहे हैं, तो छह हो गया, तो आप समझ गए ना उपसर्जन संख्या, इसको लिखवाए भी हैं हम थोड़ी पहले, इसके लिखवा चुके हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं लिखवाए हैं, चलो हेडिंग डाल लो कोऑर्डिनेशन नंबर, हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेशन नंबर, वैसे लिखवाए हैं सर जहाँ पे पढ़िए, इसलिए और पहले चलो और पहले चलो हम चलेंगे कॉपी चले, ठीक है चलो हेडिंग डालिए तब क्या थोड़ा दो लाइन। तो आइए कुछ उपसंयोजन संख्या देखते हैं, जैसे 1.4 का सेकेंड वाला है, 1.4 का सेकेंड वाला आपको ठीक है, कह रहा है घनी, सिंपल क्या कह रहा है, घनी मीन क्यूबिक, क्यूबिक में उपसंयोजन संख्या कितनी होगी, क्यूबिक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सिंपल घनी, तो क्यूबिक क्या है, क्यूबिक की देखते हैं उपसंयोजन संख्या कितनी होगी, अगर एक कोष्ठक की जगह हम क्यूब की बात करें, अच्छा ऐसे ही बताते हैं, चलिए शुरू की एक ऊपर ही बताता हूं, हां हम अच्छा नॉर्मल तरीके से आपको बताते हैं, हां उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, कुछ नहीं बस सिंपल देखते हैं, देखो वही जो छोड़े थे अभी एक बीमा में उसका हम लोग देखे थे, अब तीन बीमा में देखते हैं, तो इसे एक क्यूब है, क्या है, एक क्यूब है, तो कह रहा है अगर घनी संरचना है तो इसके चारों तरफ क्यूब है, तो इसकी उपसंयोजन संख्या किसी कण की कितनी होगी, राइट ना, मान लीजिए जैसे आपका यह रूम है, राइट ना, अब इस रूम के एक कॉर्नर पे एक बॉल रख दें, और खास बात ये जानते हैं कि वह बॉल का जो रेडियस है वो दीवार के हाफ रहेगा, कहाँ रहेगा, दीवार की हाफ रहेगा, क्या रेडियस, रेडियस दूसरे दीवार हो जाएगा, राइट ना, जैसे कॉर्नर पे है तो ये क्या है, ये आर और ये आर मिलाकर पूरा क्या है, और इसको बड़ा बनाया तो यहाँ आएगा, ठीक ना, तो देखो अगर कॉर्नर पर रहेगा तो सबसे पहले अगर आप अपनी दीवार से समझें, सिर्फ फिगर से ही बताते हैं, देखो अब यह एक एकक कोष्ठिका है, राइट ना, अब एक एकक कोष्ठिका इसके ऊपर होगी, ओके, एक एकक कोष्ठिका इसके ऊपर होगी, राइट, और एक कहाँ होगी, इसके पीछे होगी और एक आगे होगी, चार प्रकार की कोष्ठिका होंगी, तो अगर हम कॉर्नर की अभी बात करें तो एक नीचे वाले अभी कड़ी टच करेगा ऊपर वाले को, बाएं दाएं, चार तो यही हो गए, राइट ना,
चार एक प्लेन में, उसी प्रकार चार दूसरे प्लेन में और चार तीसरे प्लेन में, तो चार तिहाई कितने हो जाएंगे? बारह। तो इसकी उपसर्ग संख्या कितनी हो जाएगी? बारह। समझ में नहीं आया? नहीं समझ में। ओके ठीक है, चलिए। तो इसको आप पेज नंबर, चलिए मैं बुक के फिगर्स बताता हूँ। पेज आइए बनाते हैं, इसका फिगर बना देते हैं। तो आप तीन लाइन ऐसे खींचिए, तीन लाइन ऐसे खींचिए, पेज नंबर सॉरी एक छोटी, ये बड़ी, ये उससे छोटी और ये उससे बड़ी, इन तीनों को भी मिला दीजिए, फिर एक इनके सेंटर में आएगा, फिर वहाँ से भी तीन खींचेंगे, वन टू थ्री। देखो अभी बन जाएगा, आपको समझ में आया? जैसे एक क्यूबिक, दो क्यूबिक, तीन क्यूबिक, चार क्यूबिक, चार लूडो के डाइस एक साथ रखे जाएं, चार लूडो के डाइस एक साथ रखे जाएं, तो इनकी मध्य स्थिति, यहाँ पे अभिनय की हम बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं इनके मध्य स्थिति की, अभिकरण की बात करेंगे। तो देखो मध्य स्थिति अभिकरण देखेंगे तो अभिकरण एक कहाँ होगा, एक यहाँ होगा वन, एक यहाँ होगा टू, यहाँ होगा थ्री, एक यहाँ होगा फोर, चार ये सीधे हो गए, फिर एक ये नीचे वाला इसको टच करेगा पाँच, और एक ये ऊपर वाला छः, सेम एक यहाँ सात, एक यहाँ का आठ, ये टच करेंगे, और एक डायगनल का जो इसके सामने वाला होगा ये वाला नौ, और पीछे वाला दस और ग्यारह, और एक तो ये बारह अभिकर्ण इसके संपर्क में आएंगे। कुछ समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? कुछ नहीं आया। अच्छा कल बताइए, कल नहीं आएगी। अच्छा इस फिगर को सीधे क्लेम बनाइए, तो अगर आप अच्छा बुक से रेफर करें पेज नंबर 12, तो जो एक यहाँ पे फिगर बनाए ना, तो जितने बिंदु हैं, सेम फिगर मैंने बनाया है, जितने बिंदु हैं बीच में एक अभिकर्ण दर्शाया है, वह अभिकर्ण कहाँ कहाँ बिंदुओं को टच करेगा या रेफर करेगा, ठीक है? ये कुल 12 आएंगे, कितने आएंगे? 12 आएंगे, इसको रेफर करिएगा आराम से, फिर कल इसको आगे बताएंगे जिसको डाउट है। नाउ सेकंड कह रहा है बीसीसी, सेकंड क्या कह रहा है बीसीसी में अभिकरणों की संख्या, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। अब अगर बीसीसी की बात करें तो बीसीसी में एक सेंटर में आएगा, कहाँ आएगा? तो ये मान लिया हम सेंटर वाला है, जैसे आपके कमरे में एक बीच में गोला लटका दिया जाए, ठीक है? तो देखो वो बीच वाला गोला जो कमरे के आठों कोने हैं, ध्यान दो सेंटर में बड़ा सा गोला है, तो कमरे के आठों कोने के गोलों को क्या करेगा? टच करेगा, राइट ना? तो कितनी उत्सर्जन संख्या हो जाएगी? आठ। पॉइंट में है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, ठीक है? तो बीसीसी में कितनी होगी कोऑर्डिनेशन नंबर? आठ होगी, और सिंपल क्यूब की घनी में कितनी होगी? बारह कितनी होगी? नेक्स्ट चलते हैं, हाँ 1.5 कह रहा है यदि आप किसी अज्ञात धातु का घनत्व, घनत्व में डी और एक कोष्ठिका की विमाएं, इन कोष्ठिका की भुजा ए
परमाणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं, दैट इज मोलर मास कैपिटल एम परमाणु भार की गणना कर सकते हैं। यस, इसके एक सूत्र की उत्पत्ति हमने की थी, डी इक्वल टू क्या था, जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब एन ए, जहाँ पे डी डेंसिटी घनत्व, जेड क्रिस्टल में या कोष्ठिका में आवेदी कणों की संख्या, क्या है आवेदी कणों की संख्या, जो बीसीसी के लिए कितना होगा, दो, एफसीसी के लिए चार, सिंपल क्यूबिक के लिए एक। यह क्या है, वही परमाणु द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, एन क्या है अवग्रदो संख्या, एक कोष्ठिका कोर की भुजा, ये फॉर्मूला पहले ही कर चुके हैं, राइट। इस पर किसी को डाउट, अभी ये थ्योरी है। अच्छा, 1.6 कह रहा है किसी क्रिस्टल की स्थिरता उसके गलनांक द्वारा प्रकट होती है, टिप्पणी करो, आइए एक छोटी टिप्पणी देखकर आइए केमिस्ट्री का खत्म करते हैं क्लास, कि गलनांक निर्भर करता है क्रिस्टल पर, गलनांक क्रिस्टल की परमाणु पर निर्भर करता है, सीधी सी बात है, अगर उनके मध्य आबंध प्रबल होंगे, आबंध क्या होंगे, प्रबल होंगे, तो गलनांक क्या होगा, ज़्यादा, अगर एक दो रस्सी को बहुत मजबूती से बांध दिया गया है तो तोड़ने में ज़्यादा बल लगेगा ना, और ये ढीला बांधा है तो खींचिए तो क्या उखड़ के निकल जाएगी, तो जितना प्रबल आबंध होगा वो क्या होगा उतने ज़्यादा ठोस होंगे, गलनांक उसका क्या होगा उतना ज़्यादा उच्च होगा। तो यार ऑफकोर्स कि जालक में परमाणुओं के मध्य जो आबंध है जितना प्रबल गलनांक ऊंचा, जितना दुर्बल गलनांक कम, गलनांक क्या है कि आबंध ढीले हो गए, आबंध क्या हो गए, देखो कोई चीज़ द्रव अवस्था में है तो यहाँ वाला कण ये अगर आप उंगली हिला दीजिए दूसरी जगह चला जाएगा, क्या ठोस ऐसा होगा, और गैस में बिल्कुल सिंपल है, आपने छोटा सा हाथ हिलाया कितने परमाणु इधर के उधर हुए, अब अगर तो संख्या से ज़्यादा है, राइट ना, हम हाथ हिला रहे हैं परमाणु बगल हो रहे हैं, अभी ना कारण सब दिख नहीं रहा, हाँ तुम्हें नहीं दिख रहा ना कहाँ गया परमाणु, अब मच्छी हाँ मक्खी हाँक रहे हो नाक पे बैठी हुई तो भी परमाणुओं को भी हाँक रहे हो इधर उधर कर रहे हो, चंद्रमा पे सीधे देखना, ट्राई करना क्या है, अच्छा ओके, किसी में कुछ नाम दिया है कि आप इनके गलनांक को और क्वथनांक अपने बुक से ढूंढें, तो वो मैं भी आपको ढूंढने के लिए कहूँगा, आप ढूंढिए उनके गलनांक और क्वथनांक कम या ज़्यादा क्या होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स पूछा है ना, ठीक है। हाँ, उसका अगला क्वेरी संकुलन क्षमता व कोष्ठिका पूछ रहा है, देखिएगा इसको करवा चुके हैं, चतुष्फल की रिक्तियाँ कितनी होती हैं, टू एन अवयवी कणों की दूना और अष्टफल की बराबर, और चतुष्फल की कैसे बनती है, तीन के ऊपर एक चतुष्फल की है और तीन के ऊपर तीन, तो क्या बना अष्टफल की, ये करवा चुके हैं, ओके नाउ कल आगे के न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग, थैंक यू।